आई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए बाग में फल खाए, फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास, जैसे रखवाले गए हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ कर इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। पांच छह रखवालों को छोड़ दिया, कहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए से फल अर पिटप उफारे, खाए से फल अर पिटप उफारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले जाकर बोले रावण से, प्रभु एक बंदर आया है कपी, बहुत भारी कपी है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया, रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला रगड़ के, हाँ मुड़िया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठाकर और धरती में सटा के रगड़ के पीस के मार देता है। अच्छा हाँ, तुम लोग को नहीं रगड़ा, हम लोग को मार देता तो आपको बताता कौन, आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा कितना बल, बहुत बलशाली है रावण। अच्छा भट्टों को बुलाया, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, सुनि रावण पठे भट्ट नाना, तिनहि देख कर देव हनुमाना, तिनहि देख कर देव हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, डरा गए थे, कहे रखवाले आकर बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ में उठा लिया और धरती पर सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन ये डरपोक जो थे वो पिछवे छिप गए, कहे ये लोग जाएं, अगर बचेंगे तो हम भी जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उठाया और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, एक ही बार में जय श्री राम मारे, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए, जो छिपे थे वो भाग गए, वो नहीं गए हनुमान जी के पास, भागे रावण के पास, मार दिया सबको, मार दिया ये कई बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए, और भट्ट बोले हम तो गए नहीं, तो पहले छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको मार देता। अच्छा इतना बलशाली है। हाँ रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, अक्षय कुमार आया, आपको याद हो अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता, जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमार वह मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार भए ना, तो अक्षय कुमार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो जरूर मारिएगा उसको, उसको मत छोड़िएगा, वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूं। रावण वाला बहुत बढ़िया, पुनि पठया उते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठया उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देख पिटप गई सरदार, आवत देख पिटप गई सरदार, अक्षय कुमार आया,
हनुमान जी देख लिए, अच्छा ये अक्षय कुमारवा है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए, आवत देखी पिटप कही तरदा। हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेके दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि ये कड़की दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री कृष्ण। जैसे मारा वहीं पर चटनी जैसा पिसा गया हो। ताहिन पाति महाधुन कर जा, ताहिन पाति महाधुन कर जा, ताहिन पाति महाधुन कर जा, ताहिन पाति महाधुन कर जा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। अभी जो सेवक थे ना, सैनिक सब, सुभट वो देखे कि सेनापति मर गया, अब हमारा क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, समझ भागने वाला। हनुमान जी एक मुक्का, एक मुक्का मारा, पिचा गए उसी में, पकड़ पकड़ कर, पकड़ पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए। कुछ को तो मार दिया, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू भई ना, तो बाकी वाले कहा ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी कह चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा के हनुमान जी, जानते हैं यहाँ लिखा है धूल, जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे, धूल। अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा काई, कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा, ये बानर भगवान आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो तुम लोग ना, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला में सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है पहले कछु मारे सी, कछु मर देसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को ला के धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिलिए सीधा पकड़ के धूला में रख के एकदम सानना शुरू कर दिए। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए सब, सर से पांव तक धूले धूल, रगड़ रगड़ के बिठाते जा रहे हैं। इसी में से एक को चांस मिल गया, भाग लिया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है मर गए, मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कौन हो तुम? बोला सुभट हूं सरकार, इतना धूला बोलते मेरे को कम लगा है, कई लोग तो किए नहीं खोल पा रहे, खाली धूला धूल भरा है, मर गया आपका बेटा, मर गया। और बताएं रखवालों ने गलत किया था, कहा था कि कपि आया है, कपि नहीं मरकट आया है। रावण बोला मरकट कौन जीव है? बोला प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है सोच नहीं सकते आप, और जहां समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा, रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन सावधान, मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने उस सुभट से पूछा, ही बताओ मेरे भाई को मारा कैसे? उसने कहा कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ कर और तुम्हारे भाई के ऊपर चला मारा। अच्छा ऐसे मारता है? बोला ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है। ये मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देगा। अच्छा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा सोधा, बंधु निधन सुनि उपजा सोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जाय अरुधावा, कट कटाई गर जाय अरुधावा। विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथवा भाग लिया था पहले ही, बच गया, रथ उसका खंड खंड हो गया, मेघनाथ चला गया आकाश में, क्यों लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे सैनिक महाभट,
आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर 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 के शरीर में कितने बाल होते हैं? कितने बड़े बड़े होते हैं? माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना सबको सुई जैसा खड़ा कर लिया, एक एक बाल सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही थे ही कहां भागे, हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ कर लाए हैं। सब नाच रहे, पाक कूद रहे, भागने का प्रयास कर रहे। पूछते राक्षस क्या करोगे, क्या करोगे? हनुमान जी कहे तुम सबका फेसियल करूंगा आज मैं सबका। है पकड़े हैं 50 इधर 50 इधर, और पकड़कर पूरा शरीर सुई से भरा है। और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़कर अपने शरीर में एक साथ कहीं कहीं काफी मार दाई, पकड़ के लगे रगड़ने। नाक आंख कान मुंह पेट पूरा शरीर छिल गया। रगड़ते हैं रगड़ते खाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं तो बगल वाला दूसरे पूछता तुम कौन हो? तो बोला मैं कलुआ हूँ। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया? इतनी रगड़ाई शुरू किए हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से बाप रगड़ रहा है, मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, एक मुक्का मारा, वही बेहोश होकर गिर पड़ा। एक के मुक्का में बेहोश हो गया हो, यहां लिखा है मुठिका मार किसको, मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाए। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर गिर गया। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी उस पर चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के देखने लगे, काहे उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आंख नहीं खोल रहा है। क्यों? कनखी से देख लिया था ऊपर बैठा है। सोचा बाप एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसर का मारेगा तो राम नाम हो जाएगा, लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र, किसने? मेघनाथ ने। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी, चलाया है हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है तेही देखा कपि मूर्छित भयउ, देखकर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहाँ गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे, दबा के 50 को मार दिया, 50 दबा के मर गए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े जुठे। आया मेघनाथ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनो राक्षस उठाने नहीं जा रहे थे। मेघनाथ ने बोला उठाओ, एगो राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। अब तक पूरा शरीर भवा रहा, परपरा रहा है, जहां जहां रगड़ा है। एक 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 सिपाही ने कहा युवराज हाथ बहुत खतरनाक है इसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए इसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को, राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर जाने लगे। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं, हनुमान जी तो मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए, अच्छा कलुआ उठाया है, अच्छा राक्षस देखे अरे बापरी तो जगह है। अब राक्षस कहने लगे हनुमान जी सही बता, कसम से हमने उठाए,
एकदम कसम, हम तो मना कर दिए थे, वो मेघनाथवा जबरदस्ती हम लोग से उठवाया है, हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए, वो मेघनाथवा उठवाया है। रगड़िएगा मत अब आप एक बार प्लीज, अब तक पूरा शरीर भभा रहा है, हाँ प्लीज बहुत दुखाता है, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। बोले कौनो शर्त मंजूर, बस रगड़ाई मत करिएगा आप। हनुमान जी बोले जो बोलता हूं बोलोगे, कुछ भी बोलेंगे हम, जो कहिएगा कहेंगे, बस रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले मेरे साथ मिलकर बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ आगे आगे था, सुना राम सिया राम सिया, हमारे सिपाही पीछे घूम के देखा, उसी के सैनिक राम सीता गा रहे थे, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, आपको क्या मालूम बेहोश है, सब देख रहा है, हम लोगों का तो हो गया है, आप बाकी हो, है बहुत मजा आता है रगड़ता है, तो आप भी राम सीता बोलो नहीं तो आपको रगड़ेगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लेकर गए हैं रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया हो, लेकिन देखिए समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो, जो पहले से समझ कर बैठा है कि किसी के समझाने पर समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हनुमान जी के लिए, विभीषण जी ने कहा उचित नहीं है, दूत है, दूत के प्राण नहीं ले सकते। रावण सोचने लगा क्या करूं, तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपन पूंछ लेके सुहरा रहे थे। अच्छा इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, कपि के ममता, आग लगा दो पूंछ में, पूंछ में। अच्छा आप बताओ आग लगाने का आदेश किसने दिया, कहिए कहिए। हाँ रावण ने, लोग कहते हैं हनुमान जी ने महाराज लंका जला दी, साधु किसी का घर जलाता है क्या, काहे हनुमान जी को बदनाम करने पे पड़े हैं आप लोग। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर रावण ने लंका जलवा दी अपनी। अरे आग लगाने का आदेश उसने दिया, कपड़ा उसके घर से आया, तेल उसके घर से आया, माचिस उसने मारा, तो आग क्या हनुमान जी लगाएंगे। आप बताओ जिसकी पूंछ में आग लग जाए वो बेचारा शांत बैठेगा, हाँ वो तो बेचारा ऐसे ही उछल कूद करेगा। हनुमान जी के पूंछिया में आग लगा दिए सब, हनुमान जी महाराज लगे उलट पलट करने, हनुमान जी के 49 मरुदगण भाई आए और उसी बीच में पूरी लंका धू धू करके जलकर भस्म हो गई। समुद्र में कूद कर हनुमान जी ने पूछ की अग्नि को शांत किया है और मां से चूड़ा मड़ी लेकर पहुंच गए भगवान के पास। हनुमान जी राम जी को जाकर मां की पूरी सूचना दिए, प्रभु परम प्रसन्न। यहां एक बात देखिए, कहते हैं प्रभु सूचना मिलने के बाद, हनुमान आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया ना, मैं इस उपकार का बदला किसी जीवन में नहीं चुका सकता। क्या बोले, उपकार का बदला जीवन में नहीं चुका सकता। कथा कहती है कोई भी आपके ऊपर उपकार करे ना, तो उससे ये मत कहिए कि समय आएगा तो इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा ना। क्यों, आप कल्पना करिए, हम कथाओं में बार बार कहते हैं, यदि आप बीमार पड़ गए रात को 12 बजे, घर में कोई नहीं है, आपका पड़ोसी आपके घर आया अपनी गाड़ी में बिठाकर और आपको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराकर ठीक कराया, और आप ठीक हो गए तो कहें कि भाई साहब जो आपने उपकार किया ना, समय आएगा तो बदला जरूर चुकाऊंगा। समय कब आएगा, हाँ जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो और आप जाकर अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज कराए उसका। भगवान कहना चाहते हैं आज मैं विपत्ति में पड़ा
तो मेरे पुत्र हनुमान आपने मुझे विपत्ति से निकाला, यदि इस उपकार का बदला चुकाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी विपत्ति में आए, मैं आपके उपकार से जीवन भर दबा रहना चाहता हूँ। नहीं होता।